मैं और नायरा तो स्टेयर से आ गए थे और यहाँ पे ना लिफ्ट अटक गई। मम्मी बुआ जी सब के सब लिफ्ट के अंदर ही रह गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज ना हम कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़ के मीना बाजार। और कौन लेके जा रहा है? हमारी भाभी और हमारी दीदी। तभी देखते हैं मीना बाजार के अंदर क्या लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? गाउन। इनका कुछ वाले की चलता रहता है। फ्लिपकार्ट से भी मंगवाते हैं, अमेजोन से भी मंगवाते हैं और अभी भी गाउन लेने जा रहे हैं। यहाँ पे गाउन ही खत्म नहीं होंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट यहाँ से। इनकी फोटो खत्म नहीं हो रही है, ये मेरे से फोटो भी खिंचवा रहे हैं। फोटो खिंचवाने लग रहे हैं मेरे से। इतनी धूप में भी पसीना आ रहा है लेकिन फिर भी फोटो खिंचवा रहे हैं। बीच का रास्ता शूट नहीं करा और हम आ गए चंडीगढ़। और यहाँ पे आए थे एक पार्टी के अंदर जिसका मैंने व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि यार इंजॉय कर रहे थे सारे के सारे पार्टी। तो साथ में बुआ जी हैं, दीदी है, भाभी है, भैया हैं और छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं क्यूट से। तो अभी चलते हैं फटाफट मीना बाजार में। धूप निकल रही है, बहुत ज्यादा धूप हो रखी है। गई हुई है कि तू वहाँ पे पहले? हाँ। अच्छा पर भी आई हुई है इसने बर्थडे सेलिब्रेट। मेरे को भी लगाना है क्या? चलाने कोई नहीं, चलान कटवा लेंगे। अच्छा लूज है ये, ऐसे करके डाल ले। अभी डाल दिए दो बना के। अरे डाल लेना यार, चलान कट जाएगा हमारा। अभी ना मीना बाजार पहुंच गए हम। और यार ये मीना बाजार है तो यार ये जा रहे हैं लिफ्ट में। यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? करवा लेना हैंड सैनिटाइज। ये देखो इनकी हैंड सैनिटाइजर ही खत्म नहीं हो रहा इनका। अरे बस भाई, अरे हाथ हटाओ यार पहले। डेढ़ सौ किलो की लिफ्ट के अंदर 500 किलो घुस गए। शाबाश बेटा। 500 है ना? 544 kg। मैं मजाक कर रहा था दीदी, कुछ तो मजाक करने दिया करो। भाभी ने देखो एक बार क्या करा, बच्चा भी दिया। हम आए थे यहाँ पे मीना बाजार के अंदर। अभी पता नहीं क्या ही लेंगे ये। मेरी बहन को गाउन वाउन लेना है, मतलब मेरी दीदी को। समझ रहे हो ना, बहन और दीदी एक ही होती है। काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, तो मस्त नहीं लग रहा अभी तेरे को ये? पर हम अपना कोई आइटम ले शायद ले लो। क्या ले लो? बोल रहे थे ना पिछली वीडियो में, ले लो मेरे आपकी। तो यार ये बोल रहा है कि मेरे को अपनी होने वाली वाइफ के लिए ले लेना चाहिए। घाघरो चोली मिल सकता है क्या? डिस्काउंट का फायदा उठाया जाए। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा तो भैया कह रहे डिस्काउंट चल रहा है अभी। मीट ये दूर से ही हेलो कर रहे हैं भैया। यार ये सारी चीजें ठीक है यार, बट ये पुतले गंजे क्यों है? अरे गंजे क्यों है? गंजे जा पूछ क्या। हमारे मतलब का भी कुछ है क्या यहाँ पे? हमारे मतलब ऊपर है सबसे। क्या मिलेगा मतलब? मिलेगा जेंट सेक्शन सारा, ऊपर शर्ट अंडर भी मिल जाएगी, बनियान मिल जाएगी। क्या पहनना? मतलब मैं यहाँ पे 350 किलोमीटर दूर रेवाड़ी से अंडरवियर खरीदने आया हूँ। क्या पता बॉक्सर पहनना हो तुमने? तो बॉक्सर क्या हुआ, मिलेगा? नहीं बॉक्सर नहीं मिलेगा। अश्लील बातें ना करो मुझसे। लड़कियों वाला काम हो गया है, मतलब इतनी सारी चॉइस में भी इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। दीदी आपको कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा है? आपका कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा है? पहले मैंने ले रखी है ना। सारे आपको रेड दिख रहे कैमरे के अंदर, बट कलर अलग अलग है। बेबी पिंक, बेबी रेड, डार्क रेड, लाइट रेड। बेबी क्यों आ रहा है? अरे ये क्योंकि बेबी पहनती है ना इनको। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। पापा की परी पहनती है इसको। अजी वाह, अजी वाह। अब हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर, मतलब कि जहाँ पे जेंट सेक्शन में। नहीं नहीं, मर्दों का सामान मिलता है जेंट सेक्शन में नहीं। चंडीगढ़ के अंदर है ना सब पता है तुम्हें तो। तो यार इनको देखो, इनको सब कुछ पता है। लिफ्ट भी चलानी आती है। इतनी छोटी उम्र में मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती थी, इनको लिफ्ट भी आती है। साइकिल भी आती है? मेरे को नहीं आती थी ना। तो यार अभी देखते हैं, अगर मेरे को कुछ पसंद आ जाता है ना यहाँ पे तो मैं शर्ट्स वगैरह ले लूँगा, टी शर्ट वगैरह कुछ ढंग की लगी तो, ना तो फिर तो ना ही है।
तो यार अभी ना मेरे को ये पसंद आई थी, अभी देखते हैं यार ये ट्राई करके देखते हैं कैसी लग रही है। अभी ये पसंद आई थी तो अच्छी लग रही है, काफी सही है, तो ले लेते हैं, ये तो ले ही लेते हैं यार। शर्ट लिया और वो शर्ट भी एक इसलिए लिया क्योंकि कल दोबारा से हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और वहाँ पे भी करनी पड़ेगी, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर पता चलेगा हम कहाँ पे शॉपिंग पे जा रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ देखी नहीं, वो तो रिसेंटली ना धीरज का फोन आ गया मेरे पास, धीरज बोल रहा था कि भाई हमें कल जाना है शॉपिंग पे, मेरे को उसने एकदम से याद दिला दिया कि हमें जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार और क्यों लूँ, कल भी जाना है शॉपिंग पे। तो यहाँ पे तो वैसे भी हम सिस्टर की वजह ही आए थे, तो यार अभी ना बिलिंग करवा लेते हैं, भैया कर दो यार बिलिंग उसकी। पापा भी आ गए यहाँ पे, पापा कैसे हो आप, आप भी आ गए, आप तो हो ही शॉपिंग में, तेरे पापा को तो शर्म आती है, पहले ही उधर कर दिया। क्या लिया है ये, क्या है तो गर्मी, आप एसी चलवा सकते थे, तो यार पापा की हालत खराब होगी गाड़ी में। तो यार ये देखिए मामा भांजे किशन और कंस लड़ो, युद्ध करो। क्या है आपके मामा जी, वंश है देख लो, तारीफ हो रही है, अब पूरा YouTube देखेगा इस चीज को, तारीफ हो रही है आपकी तारीफ। तो यार हमारी ना छोटी वाली बेटी गायब हो गई, अरे कहाँ गायब, अरे ये रही ना यार, ए कहाँ पे चली जाती है तू, अंदर बैठ जा नहीं पीट जाएगी अब तू, मारो मारो हाँ मारो 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 घेर के मारो इसको, सारे घेर के मारो। कहाँ चली गई जी, चप्पल ही तोड़ दी। दीदी के पास चलते, दीदी से पूछते, दीदी कर क्या रही है वहाँ पर, क्या कर रहे दीदी, कुछ पसंद नहीं आएगी आपको, यार नवंबर में शादी है पर ऐसी शॉपिंग चलती रहेगी 3 महीने तक, डेली नए कपड़े आ रहे हैं, इतने कपड़े पहनोगे कहा। मैं तो अपनी शर्ट लेके आ भी गया और इनकी शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही यार, यार मेरी फैमिली है ना लड़ाई करने को हो रही है, गुट जाएंगे अभी थोड़ी देर में सारे के सारे। तो यार ये देखो इतनी सारी साड़ियाँ ले ली हैं, इनकी शॉपिंग का कुछ नहीं पता, मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी यहाँ से गायब है, पता नहीं क्या ले रही है, अभी चलते हैं मम्मी के पास में। मम्मी हेलो, और मेरी अम्मा कुछ पसंद आया आपको, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप एक बात बताओ मेरे को, हाँ। कैसी बाजार में लेके आए हो आप, इट्स सो कॉस्टली, मेरी मम्मी बोल रही है कि हम चांदनी चौक से लेंगे, हम यहाँ से नहीं ले रहे, मैं तो शॉपिंग ही यहीं से करती हूं। आप महंगे, आप रईस लोग हो ना, हम रईस नहीं है, हम और क्या, आप महंगी महंगी साड़ियाँ बांधते, पर आप साड़ी को मैंने कभी देखा ही नहीं आपको, तो पहनने तो मैंने आज तक नहीं देखा, तो एक कारीगर रख लो बांधने के लिए, हाँ ये कर लो पहले। ये देखो यार ये क्या डिजाइन है यार, ये क्या मतलब सुनामी सी आ रखी है लहंगे के ऊपर, क्या है भाई ये, असंभव असंभव। हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे दोबारे, तो मम्मी पापा भैया भाभी दीदी और बुआ जी लिफ्ट के अंदर बैठी, ओवरलोड हो गई हमारे साथ मतलब की, तो हम अब है ना स्टेयर से जा रहे हैं, तो अभी चलते स्टेयर से जल्दी फटाफट। A few moments later. मैं और नायरा तो स्टेयर से आ गए थे और यहाँ पे ना लिफ्ट अटक गई, मम्मी बुआ जी सब के सब लिफ्ट के अंदर ही रह गए, और अलार्म बज रहा है, अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो आके अभी लिफ्ट चेक कर रहे हैं। 15 minutes later. ये कुछ बोल ही नहीं थी, अंदर फंस गया या छोटे बच्चे फंस गए थे, सेंसर खराब हो रखा है। मम्मी आप एक बात बताओ, लिफ्ट में फंस के कैसा लगा? अरे पापा का और अभी का तो दम सब उठने लग गया। भाभी आपको कैसा लगा लिफ्ट में फंस के? फर्स्ट एक्सपीरियंस। आपकी वजह लिफ्ट फंसी थी? मेरी वजह से क्यों फंसी? ओवरवेट। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। मैं और नायरा बाहर थे। अच्छा हाँ, फिर मैंने देखा तो लिफ्ट फंसी पड़ी, और फिर वो हम पहले फर्स्ट फ्लोर पे थे, फिर हम सेकंड फ्लोर पे भाग के गए, वहाँ पे खोली हमने, वहाँ पे गई हुई थी लिफ्ट, वो ओवरलोड होने की वजह से वो हो गई, अटक गई। ऐसे होता है कभी? पहली बार ही देखी है मैंने तो। हमने जबरदस्ती पुश करा है। पुश हाँ, वो जबरदस्ती करा ना अपने यहाँ, भोगी है जबरदस्ती का नतीजा। मैंने नहीं किया जबरदस्ती का नतीजा, मामा जी ने किया था। सावधानी बरतिए, क्राइम पेट्रोल देखिए। हम यहाँ से निकल रहे हैं और जल्दी से पहले बुआ जी के घर पे जाएंगे, उसके बाद हम रेवाड़ी जाएंगे, रात को लेट हो जाएंगे। यार आज ओबी को भी है ना धीरज के पास में छोड़ के आए, और धीरज का बार बार फोन आ रहा है मेरे पास में, वो बता रहा है कि वो भी है ना सुस्त हो रहा है यार, याद कर रहा है वो हमें, और हमें भी बहुत याद आ रही है आज उसकी पहली ट्रिप पे, हम है ना उसको घर पे छोड़ के आए हैं, हम सोचे यार परेशान हो जाएगा इतने लंबे टूर पे, यार क्या ही कर सकते हैं, अब घर जाके उसको पहले लेके आऊँगा फिर घर जाऊँगा, पहले
उसको लेके आऊंगा रेवाड़ी पहुंच के, उसके बाद घर जाऊंगा, बेचारा इंतजार कर रहा है। अभी अभी ना बुआ जी के घर पे पहुंचे थे, और ये ब्रेन देखो यहाँ पे, इसको नींद आ रही है, तो यार अभी ना यहाँ से चाय पी लेंगे जल्दी से, ताकि नींद ना आ जाए रास्ते के अंदर, और जल्दी निकलेंगे, लेट हो गया यार काफ़ी। और ओबी को भी लेके आना यार धीरज के घर से, ओबी से वीडियो कॉल हुई थी, बेचारा नाराज हो रहा है हमसे। सबसे बेस्ट चीज़ है ना चाय है, अभी इसलिए पी रहा हूँ ताकि ड्राइविंग में नींद वींद ना आए, नींद खोलने की सबसे बेस्ट चीज़ है। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट अभी रात में ड्राइव करनी तो चाय पीनी पड़ेगी। निकल रहे हैं जल्दी फटाफट, 20 मिनट हो गई थी, लेट ना हो जाए यार कहीं, इसलिए निकलना पड़ रहा है। ओबी की भी टेंशन हो रही है सबको, 8 बजने वाले हैं और हम निकल चुके हैं यहाँ से, 3 घंटे लग जाएंगे यार। ओबी की याद आ रही है सबको, है ना मम्मी, आ रही है ना, आ रही है, ओबी की याद आ रही है, उसके मायूस चेहरा दिखा ऑनलाइन। तो यार हमने वीडियो कॉल करी थी जैसा कि मैंने बताया था ना, उसका चेहरा बिल्कुल मायूस हो रहा था, और मम्मी को तो अब आ ही रही है याद। पापा आपको भी आ रही है? आ रही है, अभी ना मैंने रास्ते में रुका था यार, मेरे को ना नींद आने लग रही थी, तो मैंने सोचा यार आँख धो ली जाए यार, पता है ना कहीं खाम खाया से इधर उधर गाड़ी खिसक जाए, इससे बढ़िया आँख धो लो रुक के। तो अभी मुंह धो लिया है मैंने अभी। पापा ने है ना आज एक बात बोली है कि हम उसको अब नहीं छोड़ेंगे अकेला, जहाँ पे भी जाएंगे उसको साथ लेके जाया करेंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ ओबी को देखने के लिए, वो भी एक दिन बाद। तू रहने दे, तू सो ही रहा था, ये घोड़े बेच के सो रहा है यार गाड़ी के अंदर, इसको कुछ मतलब नहीं है, वो भी कहा है क्या है क्या नहीं, ऐसे ही यार दिमाग रहता है ना। ओबी 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 फाइनली हम ओबी से मिल चुके हैं। ओबी तेरा मन नहीं लगा मालूम बिना, तो यार धीरज परेशान तो नहीं करा तेरे को? ना, ना, आज धीरज ने इसकी पोटी सुसु सब साफ करा है, मतलब इस बंदे ने अपना नहीं करा आज तक जिंदगी में खुद साफ। इसने अच्छे अच्छे काम करे, दीदी खुश हो गई। आगे कमरे में ओबी कैसा लग रहा है घर? तो यार गाइज फाइनली हम पहुंच गए घर पे, और ओबी तुम मेरे पीछे आ गया ना, इसमें मस्ती आ गई अब। तो यार गाइज व्लॉग को करता मैं यहाँ पे एंड, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो, और बाकी की वीडियोज के लिए देखते रहिए धीरू वीरू व्लॉग्स। राधे राधे। यदवी और नायरा ये लेके घूम रहे हो, मेरा कैमरा क्यों ला रहे हो आप? मेकअप एक ही चीज थी, अगर नहीं खुलती तो ऊपर से नीचे गिरती ना, ऊपर से नीचे कैसे गिरती? क्यों ओवरवेट था ना इसलिए।